right there on top of the moon. Guys, welcome back my YouTube channel Gary's Gallery. आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ एक छोटा सा ब्लॉग. और आज इस ब्लॉग में बहुत सारी चीज़ें ऐसे शेयर होंगी बिकॉज काफ़ी टाइम से मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, कोई कंटेंट शेयर नहीं कर रही हूँ. एंड बेसिकली ब्रांड्स वीडियो मेरे पास बनी हुई हैं एंड उसके बाद भी शेयर नहीं हो पा रही है क्योंकि एज अ मेडिकल लाइन से हूँ तो कैंप है, लाइक कैंप वगैरह में बहुत बिजी हूँ. तो अराउंड 1 मंथ हो गया होगा मैंने कोई वीडियो शेयर नहीं करी है और इसलिए मैं आज आप लोग के साथ व्लॉग बेसिकली शेयर कर रही हूँ कि इस व्लॉग में मैं आप लोग को बता सकूँ कि क्यों इतनी डिले हो रही हैं वीडियो शेयर होने में. एंड अभी ब्रांड के काफ़ी वीडियो बैक टू बैक मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. और आज जो है बहुत स्पेशल होने वाला है बिकॉज इस ब्लॉग में बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिसेंटली मैंने परचेज़ करी हैं. बट मैंने कोई एक चीज़ परचेज़ करी है जो आप लोगों को जरूर मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी. एंड उसके अलावा मैं अपने बालों को कुछ न्यू करना चाहती हूँ. काफ़ी टाइम हो गया है एंड मेरे बाल इस टाइम पे बहुत वियर्ड मुझे मतलब बेकार से लग रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना न्यू लुक अब किया जाए. तो अभी बहुत सारा काम है, वो काम मैं कंप्लीट कर लूँ और आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाती हूँ कि क्या मैंने परचेज़ किया है. और मैं काफ़ी खुश हूँ उस चीज़ से कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ. इस पहले तो मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या मैंने परचेज़ किया है. तो जल्दी से मैं काम कर लेती हूँ फिर दोबारा आप लोगों के साथ मिलती हूँ. अपने हेयर वॉश कर चुकी हूँ एंड अभी मैं नहाकर आई हूँ. सो मैं आप लोगों को अब दिखाती हूँ कि मैंने क्या परचेज किया है और वो है आईफोन. तो मैंने परचेज किया है आईफोन और आईफोन 13 लिया है मैंने. और काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी लेने के लिए. बेसिकली मुझे आईफोन 13 बेस्ट था मेरे लिए तो वो मैंने लिया आईफोन 13. और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आईफोन 13 कौन से कलर का मैंने. तो ये मैंने परचेज किया है, ये है उसका न्यू चार्जर. मैंने चार्जर भी बाय कर लिया था साथ के साथ. ये रहा उसका बॉक्स चार्जर का एंड ये है मेरा आईफोन 13. ये सो इसका मैंने मतलब इसका ये वाइट कलर का लिया है और ये है इसका आप देख सकते हो. मैंने कवर भी ले लिया और ये तो ये है मेरा आईफोन 13 और इसको चार्ज करना पड़ेगा. के साथ एक चीज़ और शेयर करने वाली हूँ अभी मुझे जाना मुझे अभी जाना है बालों को लेकर जो मैं लुक चाहती हूँ हेयर कलर करवाना है. और देखती हूँ आज ब्रांड का शूट भी करना था क्योंकि कल ही मुझे ब्रांड की तरफ से प्रोडक्ट रिसीव हुआ है. सो उसका भी शूट करना है. सो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कौन से ब्रांड का शूट करना है. आ रही है अंदर लाइट अच्छी नहीं आ रही थी. वो मेरा फर्स्ट मैंने आईफोन 13 अपनी सैलरी से लिया. मैंने आईफोन 13 परचेज करना था. लेना तो मुझे 14 था बट मैंने सोचा कि 13 ही ले लेते हैं अपना. 13 में भी 13-14 के कैमरे में कोई इतना ऐसा डिफरेंस नहीं है तो ले लिया. तो अब नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी. अब मैं रेडी हो जाती हूँ क्योंकि मुझे जाना है सैलून अपने बालों के लिए. बेसिकली हेयर कलर करवाना है एंड मैं ब्लैक से बोर हो गई. इससे पहले ब्लू कलर था और गाइस ये देखो बहुत ही लाइट हो चुका है. तो अब मैंने सोचा कि अब कुछ डिफरेंट किया जाए, डिफरेंट लुक किया जाए और काफ़ी बोर हो गई हूँ मैं. अराउंड 1.5 मंथ हो गए मुझे इस ब्लू कलर. तो गाइस मैं आप लोगों को प्रोडक्ट शेयर करती हूँ कि ब्रांड की तरफ से कौन सा प्रोडक्ट आए हैं. और ये है डर्मा, द डर्मा की तरफ से है. ये था, ये इतना बड़ा सा बॉक्स दिख रहा है ना, ये कार्डबोर्ड बॉक्स. तो ये ये आया है डर्मा की तरफ से एंड इतना सब कुछ एंड ये तो ये है फाउंडेशन, हाई कवरेज फाउंडेशन है गाइस. और ये देखिए डर्मा की तरफ से एंड
इसकी कॉस्ट जो है 899 रुपीज़ है। इस पर मैं इंस्टाग्राम वीडियो लाइक यूट्यूब वीडियो मुझे शेयर करनी है। और ये अलग, ये तीनों एक जैसे मुझे लग रहे थे, जबकि ये तीन अलग अलग शेड्स के हैं। एंड लाइक ये कौन सा शेड है, ये रहा 01, 02 एंड दिस वन आल्सो 03। ये तीन अलग अलग शेड्स के हैं। तो इस पर मुझे इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करनी है एंड यूट्यूब वीडियो भी मुझे शेयर करनी है। तो नेक्स्ट टाइम जो मैं वीडियो शेयर जो मैं नेक्स्ट टाइम सो मैं जो नेक्स्ट टाइम वीडियो शेयर करूँगी वो आई थिंक इसी की वीडियो होगी, क्योंकि यार ब्रांड्स की वीडियो मैंने आपको लोगों को बताया ना, बैक टू बैक ब्रांड्स की भी वीडियो आई आज तक, कि मैंने इतना गैप दिया हो अपनी वीडियोज़ को लेकर लेकिन हो गया है। सो बहुत बिजी थी, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब बैक टू बैक मैं कॉल वीडियोस आप लोग के साथ शेयर करूँगी, चाहे वो मेकअप वीडियोस हो, ब्रांड वीडियोस हो, या फिर मेरे ब्लॉग्स हो गाइस। तो प्लीज़ आप लोग मुझे ऐसे सपोर्ट करो, बहुत प्यार दिखाओ मेरी वीडियो को, शेयर करो गाइस। और मैं बहुत जल्द गिव अवे स्टार्ट करना चाहती हूँ, करने वाली हूँ। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं ये प्रोडक्ट आप लोग को शेयर करूँ, तो यार सपोर्ट करो मुझे और मेरी वीडियोस को जितना हो सके फ्रेंड्स में आप शेयर करें। एंड मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोग कैसे वीडियोस पसंद करते हैं। अगर व्लॉग पसंद करते हैं तो मैं व्लॉग शेयर करूं, एंड अगर आप ब्रांड वीडियो या मेकअप वीडियो पसंद करते हैं तो मैं वो वीडियोस आप लोग के साथ शेयर करूं। सो मैं ऑलरेडी रेडी हो चुकी हूँ एंड देन मैं थोड़ी देर में अब निकलने वाली हूँ, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, सलून वॉकिंग है और मुझे बस पैदल जाना है। उसके बाद उस सलून में अपने कलर करवाने हैं बालों को, नेल एक्सटेंशन आल्सो, मतलब नेल एक्सटेंशन भी मैंने सोचा है कि अगर टाइम होगा तो नेल एक्सटेंशन भी करवा लूँगी। सो उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि आज मेरा वीक ऑफ था, तो फाइनली आई एम डिसाइडेड कि ये काम मुझे करना है। एंड अगर टाइम होगा तो ब्रांड शूट्स भी हो जाएंगे, देखते हैं, लेट्स सी, क्योंकि इतनी टायर्ड हो चुकी हूँ, थक चुकी हूँ, तबीयत भी ठीक नहीं है, तो सब कुछ मुझे मैनेज करना पड़ता है। एंड उसके बाद ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा, सो कल से फिर से वापस जाना है ऑफिस पे, तो सब मैनेज करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, ये तो अपना लाइफ स्टाइल है यार, क्या करें, लाइफ में सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है और टाइम टू टाइम करना पड़ता है। तो गाइस मैं फिर थोड़ी देर में निकलती हूँ, उसके बाद मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि नेक्स्ट मेरा कैसे, मतलब कौन सा कलर मैंने सोचा है और मुझे कौन सा कलर करवाना है अपने बालों में। तो फिर हम दोबारा मिलते हैं। सो गाइज मैं किचन में थी ना, इसलिए सो मैं आई एंड फाइनली मैंने अपने नेल एक्सटेंशन तो करवा लिए, क्योंकि बालों के कलर नहीं हो पाया। और आज अपॉइंटमेंट मेरा था, बट ऑलरेडी कल के भी पेंडिंग अपॉइंटमेंट थे जो बेसिकली आज कंप्लीट हुए हैं। सो काफ़ी लोग थे, तो उस चक्कर में मेरा तो आया ही नहीं नंबर। देन अब देखो, लेट्स सी, या तो एक दो दिन के बाद ही मैंने प्लान किया है कि कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट जब मैं करवाऊँगी तो इसी वीडियो में मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ अपना न्यू हेयर कलर। एंड मेरा फेस पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इस टाइम पे मेरा फेस बहुत ज़्यादा डल हो रहा है एंड बहुत थकावट हो रही है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, काफ़ी दिन हो गए। और इस टाइम फेस्टिवल टाइम है तो घर की साफ सफाई हो गई और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। अब मैं खाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड मुझे अब खाना बनाना है। नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं और नेक्स्ट डे मैं देखते हैं सैलून में कितना टाइम लगता है मुझे अपने बालों को लेकर, यानी हेयर कलर को लेकर। सो अभी मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे दोबारा।
to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby.